भी वो कुंडली उंडली उसकी वाइब्रेशन वाली ये वो चक्कर, कोई कह रहा है संसार में चक्करों में फंसे हुए हम क्या करें कैसे करें, कोई हम में से कोई ये बता सकता है कि हमारे अंदर जो गुण होते हैं गुण किन चीजों के कारण होते हैं? हमारे अंदर कोई भी सदगुण सदगुण जो है हमारे अंदर वो किसके कारण से है? हमारे अच्छे कर्म होते हैं, पिछले कर्म के कारण, कर्म के कारण कुछ कर्म के कारण देवता प्रसन्न होते हैं या भगवान प्रसन्न होते हैं, लेकिन खास तौर से जो उनका उनका जो क्या कहना चाहिए स्पेशल गुण है, जो प्रॉपर्टीज है, ट्रेट्स वो जो है वो किन के कारण है मुख्य तौर से? करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जो जो ग्रह है हमारे अंदर, ग्रह ग्रह चक्र नहीं, ग्रह देवता भी नहीं, देवता जो हमें गुण दे रहे हैं उनका संबंध भौतिकता से तो है ही नहीं। आपको बता दूं भौतिक जीवन जीने के लिए देवताओं से हमें कुछ चीज प्राप्त नहीं होती, आध्यात्मिक जीवन जीने से हमें सारी चीजें देवताओं से प्राप्त होती है, और सांसारिक चीजें जीने के लिए हमें ग्रहों नक्षत्रों से चीजें प्राप्त। आपको मालूम है इस बात का? नहीं पता ना, हम कहते हैं देवता ये वाली, किसी ने बड़ी अच्छी कविता लिख दी, उसने कहा भाई स्वादिष्ठान बड़ा अच्छा है, सरस्वती माँ बड़े खुश हो रही है। अगर वो लिख रहा है अच्छा फिर उसे बेच भी रहा है तो सरस्वती माँ खुश हो सकती है क्या उसे बेच रहे? नहीं हो सकता। नहीं कि उसे जो ये ट्रेड मिला हुआ है अपने जीवन यापन के लिए, एक गुण मिला हुआ है पेट भरने के लिए या कमाई करने के लिए, वो मरकरी से मिला है, बुध ग्रह से, जो उसके स्वाधिष्ठान पे आसीन है स्वाधिष्ठान। और ये जो स्वरूप भी होते हैं हमें जो शकल सूरत मिलती है वो भी ग्रह देवताओं के कारण, ग्रहों के कारण, और ग्रहों को भी देवता माना गया था, देवी देवी देवता की श्रेणी। लेकिन ग्रहों के साथ देवता भी है, मान लीजिए कंठ में सैटर्न है, शनि है, उनके साथ श्री कृष्ण जी भी है। श्री कृष्ण जी हमें अलग चीज दे रहे हैं और ये शनि ग्रह हमें अलग चीज दे रहे हैं, दो अलग अलग चीजें हैं। फिर एक एलिमेंट भी है, वो एलिमेंट हमें अलग चीज दे रहे हैं। चक्र है, चक्र हमें अलग चीज दे रहे हैं, चार चीजें हो गई, हमने सब एक ही उसमें खिचड़ी बना दी, क्योंकि देवताओं में देवता है ऐसा नहीं। अब ग्रहों को प्रसन्न करना है, संसारिक स्तर का अगर कल्याण करने की सोचते हैं आप तो आप ग्रहों को प्रसन्न होंगे, क्योंकि कल्याण के लिए ग्रह ही है, मतलब भौतिक चीजों के लिए। अब तभी तो लोग मंदिर जाते हैं और उन्हें ये भी नहीं पता, मेरे हिसाब से आपको श्री कृष्ण जी के पास जा रहे हैं, कभी भोलेनाथ जी के पास जा रहे हैं, इन सारे देवताओं से हम संसारिक चीजें मांगते हैं, जबकि ये देवी देवता संसारिक चीजें देने के लिए है ही नहीं। अब आप सोचिए कि श्री कृष्ण जी की शक्तियां हम लोग पूजा करते हैं, श्री कृष्ण जी की, राम जी की, तो क्या आप समझते हैं श्री कृष्ण जी ने जो हमें कुछ संसारिक चीजों को देना है उन्होंने पूजा से प्रसन्न होकर दे देंगे? वो संसारिक चीज नहीं देंगे आपको, अध्यात्मिक चीजें देंगे, अध्यात्मिक शक्तियां देंगे। लेकिन भौतिक जीवन जीना है, संसारिक जीवन जीना है, तो ये जो चीजें हमें प्राप्त होने वाली है इनके ग्रह नक्षत्रों से प्राप्त होंगी, ये हमें समझना है। अब किसी का व्यापार में गड़बड़ चल रहा है तो बुध ग्रह को प्रसन्न करो, कुछ है हाँ बुध है ना, बुध को प्रसन्न करो, भैया बुध देवता मान जाओ, नाराज हो उनसे, पिछले जन्मों कर्मों के कारण आपकी याचना करते हैं, पूजा करते हैं, जरा प्रसन्न हो गया हमें कुछ कर दो, काम धंधा चलवा दो, क्या पता मान जाए वो। ऐसे ही शनि का है चक्कर, मुझे डरते बहुत है भैया, शनि की दहिया चल रही है, साढ़े सात ही चल रही है, जरा दूर ही रहना शनिदेव। अब ये नहीं पता शनिदेव लाभ कितना देते हैं, लेकिन डरते बहुत है हम उनसे। हमने सुन लिया, हम माँ के बच्चे बन गए क्या वास्तव में? कैसे टेक्निकली कैसे पता लगेगा? इतनी देर से बैठे हैं, तुम लोग बैठे हैं, अभी तक यही हैं।
एक तरीके से आप बहुत सारी बातें कह सकते हैं एक सरल चीज में. बेटा तू बता हमें कैसे पता लगेगा हम माँ के बच्चे हैं. एक तरीके से बिल्कुल सही बोला, सरेंडर्ड है, अपना माइंड नहीं चलाते. तो ये हमें ये सबसे बड़ी पहचान है कि हम शिवाता के बच्चे हैं. जो लोग सरेंडर्ड हैं, उन्हीं के लिए देवी देवता छूट देते हैं, सबके लिए नहीं. जो लोग कंप्लीटली सरेंडर्ड हैं, उनके लिए देवी देवता छूट देते हैं या रियायत देते हैं, कंसेशन मिल जाता है कि बहुत बड़ी सजा नहीं मिलेगी, थोड़ी सी मिलेगी, पर मिलेगी तो 100%. क्योंकि जो हमारे से हुआ है उसके परिणाम स्वरूप नकारात्मक तो जो चीजें कर्म फल हमने इकट्ठे कर रखे हैं वो कोई और नहीं सहन करेगा, हमें ही करने हैं. वो बात अलग है कि हमने किसी को चीट किया था, 10 लाख रुपए से चीट किया, तो एक दो जन्म बाद वो कई लाख करोड़ों में कन्वर्ट हो गया, ब्याज समेत 1 करोड़ 2 करोड़. तो हम माँ की शरण में भी आ गए हम और उन पर कर्जा भी है. अब परमेश्वरी शक्ति मेरे हिसाब से, मेरी चिंतन के हिसाब से डिलीट नहीं करेंगी वो कर्जा. वो क्या करेंगी, प्रसन्न होकर आपकी इनकम बढ़ा देंगी. आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप कर्जा चुका दो. लोग सोचते हैं हमारे कर्म फल नष्ट हो जाएंगे. शिवादेवी ने भी कहा कुंडली जागृत होती है, कर्म फलों को समाप्त कर देती है. तो कर्म फलों के समाप्त होने का जरिया है कि आपकी सिस्टम को और ज्यादा बढ़ाया जाएगा, मतलब आय बढ़ा दी जाएगी, तब कर्जा चुका दिया जाएगा. एक कंडीशन है कि आपकी आय भी नहीं और कर्जा भी देना है, तो पता लगा जेल हो गई, पैसे उठे नहीं. तो जेल जाने से बचाया, आपकी इनकम बढ़ाई और आपसे कर्जा चुकवाया, यानी कि जो कर्म फल था वो बदला नहीं, वो नहीं बदला. हालात बदले हैं, कर्म फल नहीं बदला है, वो तो चुकता ही करना पड़ेगा. तो जो सरेंडर हो जाते हैं पूरी तरीके से, उनके साथ ये होता है जो मैंने बताया. और दूसरी चीज ये है कि अब हम क्या करें ऐसे में. तो चलिए थोड़ी देर के लिए हम देवी देवताओं की शक्तियों का आह्वान करते हैं ध्यान में. है ध्यान में जाने का मूड या नींद आ रही है, बता दीजिए. ध्यान जा रही है, उसी वस्त्र फिर आप ध्यान में मत बैठिए. आपको सोना टारगेट है, आपका टारगेट सोना है तो ध्यान खाली होगा. देखा, अभी भी फायदा वही है. बच्चों की राय से, बच्चों की राय सर माथे पर कतना रहेंगे. ध्यान, पूजा, पाठ, चिरविचारिता, समाधि सब जाकर एक संसारिक कल्याण के लिए. आपकी बात से मैं बताया कि हम सब लोग इसी तरीके से कंडीशन है कि भगवान से जुड़ने का मतलब है बस कुछ कल्याण कर देना. Exactly. यही बात है. बच्चों की राय सर माथे पर पतला लाए नहीं गिरेगा. जहाँ है वही रहेगा, ये हिलेगा नहीं. यानी कि इससे मैंने इसे कोरिलेट इस तरीके से किया, भाई हम ध्यान कर ले, पूजा पाठ कर ले, निर्विचार हो जाए, सरेंडर हो जाए, बस संसारिक कल्याण कर देना भगवान जी. तो मैंने तभी बोला है, अर्ज आपसे रिक्वेस्ट यही की, अगर
नींद है तो सो जाइए, ज्ञान होगा नहीं। अब दोनों चीजें साथ साथ ही चलेंगी, ध्यान जागृति है और नींद सोना है, सोना है, सोना है। तो चलिए ध्यान में चले, क्या टाइम होगा? तो चलिए एक ध्यान का एक थोड़ा सा एक बन जाए सिलसिला, ध्यानस्थ हो जाएंगे हम। और अब हम एक कॉमन चीज पर ज्यादा ध्यान करेंगे, वो है सांसारिक कल्याण, क्योंकि तो सारा घूम फिर के वहीं आना है। जैसे सारी नदियां जाके समुन्द्र में गिरती है ना घूम फिर के, ऐसी हमारी सारी प्रार्थनाएं ध्यान धारणाएं सब एक ही जगह जाती है कि प्रभु संसारिक कल्याण करना हमारा, ठीक है। अब संसारिक कल्याण के देवता कौन से हैं? सबसे ज्यादा कल्याण होता है पैसे से, लक्ष्मी जी नहीं, कुबेर, कुबेर। अगर उनकी कृपा रहे तो लक्ष्मी जी उनकी कृपा से अपने आप आएंगी। लक्ष्मी जी की कृपा हो तो थोड़ा बहुत लाभ होगा, पर कुबेर की अगर कृपा हो तो फिर लक्ष्मी जी तो वैसे ही सेवा में रहेंगी आपकी। भैया लक्ष्मी जी और कुबेर जी धनवंतरी के वो होते हैं ना, क्या जो धनवंतरी होते हैं वो लक्ष्मी जी और कुबेर जी के गुरु है ना? धनवंतरी जो है ना वो वैद्य हुए हैं, बीमारियों को ठीक करने वाले, उनका धन से कोई संबंध नहीं है। 3,500-4,000 साल पहले धनवंतरी वैद्य हुए, जिन्होंने जिन्होंने पेड़ पौधों में दवाइयां ढूंढी, जड़ियों में जड़ी बूटियां खोजी हैं उन्होंने। और जो धनवंतरी वैद्य ने जड़ी बूटियां खोजी, ऋषि चरक ने उनपे बहुत सारे प्रयोग करके उन्होंने देखा कि इसका ये लाभ है, इसका ये लाभ है। और ऋषि चरक की जो चीजें उन्होंने खोजी, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, ऋषि चरक ने जो एक्सपेरिमेंट करके एस्टेब्लिश की सिद्धांत, उस पर चले ऋषि वाघभट जी ऋषि, और उन्होंने उनके एक्सपीरियंस पर चलकर शोध करकर अपने अनुभव दिए, और वाघभट जी के अनुभवों को सारे संसार में पहुंचाया डॉक्टर राजीव दीक्षित जी ने। ये पूरी सीरीज है, और धन्वंतरी जी का धन से कोई संबंध नहीं है हमें। तो जो श्री कुबेर हैं वो हमारे कहां पर हैं? श्री कुबेर हम किसे कहते हैं? कृष्ण जी को। और उनके सहायक कौन है कृष्ण जी के? शनि देव, शक्ति में शनि है। चलिए आज सबके जो जितने भी सहगी हैं पूरे विश्व के, आज उनके लिए प्रार्थना करेंगे। या जो अच्छे बच्चे हैं भगवान के, जो किसी को सताते नहीं और दूसरों के कारण अभावग्रस्त हैं, दूसरों के कारण समस्याओं से घिरे हैं, आज उनके लिए प्रार्थना करते हैं, ठीक है। थोड़ी देर करते हैं, अभी सब लोग की बैटरी डाउन है, सुबह को कुछ और करें हो जाएगा। वही तरीका है, ध्यान में जाएंगे, सहस्त्रार हार्ट, एक अनुभूति करेंगे दोनों को, दोनों एक हो गए हैं। देखिए जैसे ही जुड़े, सेंट्रल हार्ट सहस्त्रार में खिंचाव प्रारंभ हो गया। चित को जोड़ेंगे हम मां आदि शक्ति से, सहस्त्रार पे नहीं,
ब्रह्मांड के परे रहने वाली माँ आदि शक्ति, यानी कि माँ आदि शक्ति की ऊर्जा, जो ऊर्जा के रूप में वो अवतरित हुई है हमारे शस्त्रार पर, उनके वास्तविक स्थान पर चित रखेंगे जो इस ब्रह्मांड से भी परे हैं। और जो माँ आदि शक्ति स्वयं अर्ध नारीश्वर है, सदाशिव है, उनसे कनेक्ट होने पर अपने यंत्र में प्रतिक्रियाएं महसूस करेंगे ऊर्जा वाली। महसूस कर सकते हैं सेंट्रल हार्ट भी खिंचाव दे रहा है, वैक्यूम बना रहा है और शस्त्रार्थ भी। चित्त में लाएंगे हम श्री कृष्ण जी को, जो वास्तव में श्री कुबेर भी हैं। हमारे कंठ में सुशोभित हैं, श्री माता जी ने बताया है। करेंगे श्री कुबेर जी की निराकार शक्ति पर, ब्रह्मांड में हमारा चित्त ब्रह्मांड से भी परे है, एक वैक्यूम में है हमारा टेंशन, एक निर्वात वाली अवस्था जहां कुछ भी नहीं है। और इस कुछ ना होने वाले स्थान पर भ्रमण करती हैं मां आदि शक्ति की अनेकों शक्तियां निराकार स्वरूप में, और उनमें से एक शक्ति श्री कुबेर भी है। इस शक्ति को ग्रहण करेंगे अपने शस्त्रार में, शस्त्रार के जरिए अनुभव करेंगे अपने कंठ में हम महसूस कर सकते हैं ऊर्जा हमारे सेंट्रल हार्ट में, विशुद्धि में, शस्त्रार में बढ़ रही है, इंक्रीजिंग। यानी कि श्री कुबेर की निराकार शक्ति से हम कनेक्ट हो चुके हैं इस वक्त, जिसके कारण ऊर्जा बढ़ती जा रही है। और इस कनेक्टेड स्टेट में प्रार्थना करेंगे सच्चे हृदय से समस्त साधकों के लिए, हे श्री कुबेर, हे श्री माता जी, जो सच्चे हृदय से आपके श्री चरणों की वंदना करते हैं, आपके बताए मार्ग पर चल रहे हैं मां, हम सब की प्रार्थना है कि उन्हें किसी प्रकार का आर्थिक अभाव,
तकलीफ ना दे, यदि संभव हो माँ उन सबके आर्थिक अभावों को समाप्त कर दीजिए, ताकि उन्हें अपने इस आध्यात्मिक जीवन में इस तुच्छ सी चीज के लिए अपना समय ज्यादा व्यर्थ ना करना पड़े, इस तुच्छ सी आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए अपना कीमती समय जाया ना करना पड़े, अपनी हीरे जैसी चेतना को उलझाकर इस आवश्यकता की पूर्ति में उलझाकर उसकी उपयोगिता को समाप्त ना कर रहे हो। श्री माता जी आशीर्वादित कीजिए सभी बच्चों को अपने कम से कम आर्थिक समस्याओं से बाहर निकल जाएं और इस सहज की यात्रा में बिना किसी बाधा के अग्रसर होते चले। इस प्रार्थना के साथ अपने यंत्र में श्री कुबेर की निराकार शक्ति को ऊर्जा के रूप में बहता हुआ अनुभव करेंगे। महसूस कर सकते हैं अपने कंठ में ऊर्जा का प्रभाव, हमारे कंठ में भी अनुभव हो रहा है। महसूस किया शुद्धि वगैरह सब जगह एनर्जी का होना, खुल रही है ना एनर्जी से। जब कुबेर से हम आशीर्वादित होते हैं ना तो हमारे भीतर लेने का भाव हो जाता है, लेने का भाव समाप्त हो जाता है, देने का बन जाता है, क्योंकि श्री कुबेर दाता है, याचना नहीं सिखाते। महसूस हुआ बैका क्या सहजता से लाइन और यहाँ यहाँ ना नाक के दोनों साइड चलना शुरू हो गया। एनर्जी निराकार शक्ति का हमने आह्वान किया ना, आई ईएनटी सिस्टम सारा उन्हीं के कंट्रोल में रहता है ना, सर्विकल प्लेक्सस बोलते हैं इसको, तो ये किसी ने नींद का भी आनंद लिया होगा, झोंके ठंडी हवा के झोंके चलते हैं होले होले। ये सहस्त्रार पे ऐसा लग रहा है पानी पहन रखी है, लेफ्ट आर्ट स्लीव आया होगा ना, अचानक कोई ऐसा इंसान याद आ गया होगा जो जूझ रहा है संसारी का भाव, दुखी है वो। हाँ क्या कह रहे हैं ऋतु, ऋतु क्योंकि एनर्जी जब बहुत तेजी गति से हमारे अंदर प्रवेश करती है या निकलती है ना, तो जैसे
एलपीजी को अगर बड़े रेगुलेटर में लगाकर खोल दें तो तेजी से गैस पास होगी, तो अगर आप सिलेंडर पे हाथ लगाएं तो उसमें चिलिंग इफेक्ट आना शुरू हो जाता है, बर्फ जम जाती है कई बार, खास तौर से जो हलवाई होते हैं उनके पास जो सिलेंडर लगे होते हैं और बड़े वाले उसमें बर्नर लगे हैं, उसमें बहुत सारी गैस चाहिए होती है, तो जो उनके रेगुलेटर होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा बड़ा बोर सुराख होता है जिससे ज़्यादा गैस आती है, और जब गैस तेजी से चलती है ना तो सिलेंडर पर बर्फ तक जम जाती है, चिलिंग हो जाता है, माइनस से भी नीचे चला जाता है टेम्परेचर, माइनस 2-4 डिग्री करीब पहुंच जाता है, तो बर्फ दिखाई देती है सिलेंडर पर जमी हुई, फिर उसे गर्म गर्म पानी में डालते हैं वो। स्पीड, तो जब ऐसी शस्त्रार पे रहने को शक्तियां बहुत तेजी से सीक्रेट होने लगती हैं तो भी चिलिंग आती है, क्योंकि ये भी एक पावर है ना, ठंडक वो हम उसी जोन में चले गए ना, उस एनर्जी के जोन में चले गए हैं। आप सब लोग पहाड़ों में हैं, इस वक्त पहाड़ों में बैठे हैं ना, अब पहाड़ों में है तो सही पर पहाड़ों की ठंडक अभी तक महसूस नहीं करी है हमने, चलो पहाड़ों की ठंडक महसूस करते हैं, ठीक है। ऐसी जगह गए हैं जहां बर्फ मिली हो, आइस, किसी भी स्थान पर, किसी भी ऊंचे स्थान पर गए हो और उनकी यादें हो बर्फ की, तो कैसा महसूस करते हैं, चिलिंग आती है ना। चलिए थोड़ा आनंद लेते हैं बर्फ का, यहीं बैठे बैठे ना गया हो तो अखबार कैलेंडर वैलेंडर सब देखे होंगे, फोटो देखे होंगे, कई बार केदारनाथ जी के फोटो आ जाते हैं, कैलाश के भी आते हैं, कैलाश मानसरोवर के, उसमें जो कैलाश पर्वत है उसके ऊपर बर्फ जमी रहती है। हाँ जी, कई जगह है, बहुत सारे स्थान पर, तो चलो आज चलते हैं कैलाश मानसरोवर, चले वैसे तो 2.5 लाख रुपए लगते हैं, फ्री में चलते हैं। पहले एक महीना लगता था, ट्रैकिंग करनी पड़ती थी, पैदल जाना पड़ता था, कुमाऊं से शुरू होती थी यात्रा, चाइना तक जाते थे पैदल, फिर वहां से आगे पहुंचते थे, अब तो उन्होंने सड़क ही बना दी, लैंड क्रूजर जाती हैं वहां, गाड़ियां सीधी उस झील तक जाएंगी परिक्रमा करने वाली। यात्रा कहाँ रह गई, अब तो पिकनिक हो गई, यात्रा अलग मजा देती थी, टेस्ट हो जाते थे लोग, श्रद्धा टेस्ट होती थी। चलिए शांत भाव से अपने भीतर परमेश्वरी को महसूस करेंगे, और अब जरा चेक कर लें कि इस वक्त सर पर और हृदय में जो ऊर्जा आ रही है वो किस प्रकार की है, मतलब कितने अमाउंट में आ रही है, कितनी तीव्रता से आ रही है, और उसकी प्रतिक्रिया हमारे शस्त्रार हार्ट में क्या हो रही है, जरा इस अनुभव को अपने संज्ञान में लेकर स्टोर कर लें। और अब अपने चित्त को हम ले जाएंगे श्री कैलाश पर्वत पर, श्री कैलाश के वातावरण पर रखेंगे, कैलाश पर्वत का जो वातावरण है उस पर भी अपना अटेंशन रखेंगे, वहां पर जो ऊर्जा विद्यमान है पवित्र ऊर्जा, उस ऊर्जा पर अपना टेंशन रखेंगे कैलाश मानसरोवर में। और यहां से जो प्राप्त हो उसको एक्नॉलेज करेंगे, महसूस करेंगे उसको। श्री कैलाश पर
चित्त रखने के उपरांत महसूस करेंगे कि हमारे यंत्र में किस प्रकार की प्रतिक्रियाएं हो रही हैं। क्या महसूस हो रहा है बताइए। सर पे कैसा महसूस हो रहा है? आ गई हृदय में एक उत्साह उल्लास। जरा इसी कड़ी में अपने चित्त को हम छिंदवाड़ा ले जाते हैं, श्री माता जी के उस घर में जहां श्री माता जी का जन्म हुआ। जरा देखिए अंतर, कैलाश मानसरोवर पे जो हमने चित्र रखा तो उस पे किस प्रकार की चैतन्य था, ऊर्जा थी, और अब हमने छिंदवाड़ा पे चित्र रखा है तो यहाँ से हमें हमारे भीतर में क्या प्रतिक्रियाएं हो रही हैं? बढ़ गई ना? और कोई वेरिएशन हमारे भीतर में? बहुत से लोगों को मलाल होता है छिंदवाड़ा से, तो क्या है? नहीं गए कोई बात नहीं, चित्त वहां ले जाओ, वहां आ जाएंगी वहां से। अब इसी कड़ी में जरा हम अपना चित्त रखते हैं, चित्त में रखते हैं श्री माता जी का बाल्यकाल, बाल्यकाल की अवस्था में उनके बाल्यकाल को हम फोकस करेंगे। जब वो छोटे से बच्चे के रूप में रही है श्री माता जी, और उन पे फोकस करने पर देखेंगे कि जो ऊर्जा का है स्तर अब कैसा हो रहा है। कोई डिफरेंस जी? हृदय की धड़कन बढ़ गई। और किसी को कोई अनुभव बाल्यकाल की? ठंडी फुहारे से छूट रही है। फुहारे से छूट रहे? फुहारे ठंडी बिल्कुल खराब वाली भी। क्योंकि माँ तो माँ ही है ना, चाहे वो बाल्यकाल में हो चाहे वो, क्योंकि माँ की तो कोई आयु नहीं है, आप नहीं सकते हो कितनी आयु है उनका। वर्तमान स्वरूप बाल्यकाल में वैसा रहा, उसके बाद किशोरावस्था में बदला, फिर वो बदलता रहा ना स्वरूप जो बाहर था, लेकिन
भीतर में जो थी वो तो वही की वही रही ना। तो समाप्त करें सेशन या और करना है कुछ? सुबह कितने बजे आना चाहते हैं? बहन जी पूछ लो बाकी सबसे, 7 बजे, क्योंकि ब्रेकफास्ट का टाइम 8:30 बजे रखा है ना मेरे जी। मैं आपको एक प्रैक्टिकल चीज बता दूं, 7 बजे बहुत कम लोग आएंगे, निश्चित रूप से बहुत कम लोग। नाश्ते के बाद ही सेशन शुरू हो पाएगा, ये मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। 8:30 बड़ा खा लेट है और अभी इस वक्त 1 बज रहा है और आपको सोते सोते 2 बजेंगे, 1:30 से 2 बज जाएंगे क्या? हाँ वैसे तो 1 ही बज है, बाकी सब चीज देखो बैटरी का हाल क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हुए पड़े मोबाइल 5-7% ही रह रही है बैटरी। भारी हो रहा है इनका। बहुत सिर भारी हो रहा है। वो तो नींद के कारण है। नहीं नहीं, वो सेशन में हो रहा है तब से। सेशन में भारी पन हो रहा है। भारी पन, दर्द है? दर्द नहीं, भारी पन है या दर्द है, दो अलग अलग चीजें हैं। निकल नहीं पा रहा हूँ। वो क्या है कि ना आपके भ्रमरंध्र जो है छिद्र थोड़े कम पड़ रहे होंगे, खुल जाएंगे। जो ऊर्जा है वो ज्यादा बन रही है अंदर, हार्ट चक्र ज्यादा एनर्जी बना रहा है, वो शस्त्रार से पास नहीं हो पा रही, शस्त्रार में प्रेशर आ रहा है आपके, है ना, प्रेशर आ रहा है ना। चलिए धीरे धीरे खुल जाएंगे, ऐसा होता है। हाँ है वो, इसलिए हो रहा है ना कि आम स्थिति में हम इस प्रकार से मेडिटेशन में नहीं उतरते, और जो एनर्जी होती है ना। अच्छा, आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने प्रोग्राम अटेंड किए होंगे, सामूहिकता अटेंड की होगी, जो अनुभव हुए हैं वो आपको मालूम है, याद है, और अब यहाँ जो अनुभव हुए ये भी आपको याद होंगे, तो क्या डिफरेंस महसूस किया? हमारा यंत्र क्या कह रहा है, दोनों दशाओं में हमें स्मरण है कि हम जब आम कंडीशन में ध्यान में जाते हैं, वहाँ कलेक्टिव अटेंड करते हैं, तो हमें कैसा महसूस होता है, और अब यहाँ पे हमने कलेक्टिव किया है इस तरीके का, तो हमें कैसा महसूस हो रहा है, वो डिफरेंस तो पता होगा ना। नहीं, यंत्र के हिसाब से, इंस्ट्रूमेंट में क्या महसूस हो रहा है, मतलब चंद्र नाड़ियों में, चक्रों में क्या महसूस हो रहा है।